नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के बाद अब बिहार में भी बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। बिहार में बढ़ती ठंड के साथ साथ राज्य की हवा भी खराब हो चुकी है। कई जिलों में प्रदूषण युक्त हवा चल रही है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण की रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह 7 बजे राजधानी पटना सहित प्रदेश के 14 जिलों की हवा में प्रदूषण का जहर फैला दिखाई दिया। इस प्रदूषण युक्त हवा की वजह से सांस लेने संबंधी बीमारियां होने लगी हैं। राज्य के 14 जिलों में सबसे ज्यादा पूर्णिया जिले की स्थिति ज्यादा खराब है। यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 1419 दर्ज किया गया। प्रदूषण विभाग के मुताबिक 400 से ऊपर AQI वाले इलाकों में स्वस्थ व्यक्ति को भी सावधान रहने की जरूरत है। इन जिलों के लोगों को प्रदूषण से बचाव की उचित सलाह दी जाती है। वही राजधानी पटना सहित 6 जिलों की हवा भी बहुत खराब है। राजधानी पटना में AQI 319 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब स्थिति का माना जाता है। जबकि कटिहार में AQI 399, भागलपुर में 368, सहरसा में 360, अररिया में 352 और छपरा में AQI 306 दर्ज किया गया। प्रदूषण विभाग ने इन जिलों में हार्ट और सांस की बीमारी वाले व्यक्तियों के अलावा बुजुर्गों के भी प्रदूषण से बचने की सलाह दी है। वहीं 7 अन्य जिलों में भी हवा की जो स्तर है वो ज्यादा खराब होता जा रहा है, जो 200 से 300 के बीच AQI है। वहीं 7 अन्य जिलों में भी हवा की का जो स्तर है वो खराब दर्ज किया गया है, जो 200 से 300 के बीच है। इनमें सबसे ज्यादा आरा में AQI 299 दर्ज किया गया है, जबकि मोतिहारी में AQI 293, हाजीपुर में AQI 291, मुजफ्फरपुर में AQI 281, राजगीर में AQI 275, गया में 260 और किशनगंज में 259 दर्ज किया गया है। प्रदूषण के अलावा बिहार में ठंड का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। सर्द हवाओं की वजह से सुबह और शाम के समय लोग ठंड से कपकपाने लगे हैं। हालांकि दोपहर में धूप लोगों को थोड़ी राहत जरूर दे रही है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को बिहार में सबसे कम न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस भागलपुर के सबौर में दर्ज किया गया।